I cannot support any major team because all of them are my brothers. मेरी ना केवल वो मेरे देश के हैं बल्कि मैं प्रतियोगिता में ना अमूमन देखिए मैं इस शो का हिस्सा हूँ और इसमें मैं एकदम जज की भांति लोगों को लड़ते हुए देखूँगा आपस में, लेकिन ये मेरा काम है। मन से मैं किसी को लड़ते हुए आपस में सपोर्ट नहीं करता। मैं जानता हूँ ये उनका काम है, ये उनका खेल है, उस खेल को मैं खेल की भांति लेता हूँ। तो मुझे ये नहीं है कि कोई जीत जाए कोई हार जाए, ऐसा कुछ नहीं है। बट आई रियली एंजॉय, द कॉम्बैट। मुझे मज़ा आता है कि ये दो टीमें आपस में लड़ रही हैं, बट मेरा कोई फेवरेट ऐसा कुछ नहीं। मेरा एक्स फैक्टर सिर्फ ये है कि मैं हूँ। मैं कोई मुझे कुछ कहता है तो मैं उसकी बात सुनता हूँ, लेकिन मैं करता अपनी मन की हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी जर्नी मैं ही जानता हूँ, मेरा सफ़र मैं ही जानता हूँ, मेरा बचपन, मेरी जवानी जो मुझ पर गुजर रही है, मैं आगे क्या करना चाहता हूँ ये मैं ही जानता हूँ। तो कोई और मुझे ना बताए कि कैसे रहना है, क्या करना है। और यकीन मानिए, इस चीज़ में जो मज़ा है वो किसी की तरह बनने में मज़ा नहीं है। ऑडिशन के टाइम पर अरे बाप रे, दो लड़के आए। वैसे मुझे आई डोंट थिंक आई शुड टेल यू, बट चलो बोल देता हूँ मैं। दो लड़के आए, उन्होंने संजय बंसाली जी जैसे रिजर्व्ड और बड़े बेचारे पैशनेट आदमी, उनके दो गाने गाए, उनका गाना गाया, एक ही गाना दोनों ने गाया, अलग अलग से, अलग अलग दिन में, अलग अलग शहरों में। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, और उन्होंने जो उस गाने की बैंड बजाई है, तो जब पहले वाले ने बैंड बजाई तो मुझे इतनी खुशी हुई, क्योंकि संजय बंसाली जी के सामने उनके गाने की बैंड बजाना भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है। बिकॉज संजय जी, वी ऑल नो सो पैशनेट अबाउट म्यूज़िक, उनकी शक्ल ऐसी हो गई थी कि मेरे गाने को ऐसे कैसे कर रहे हैं। उसके बाद मैं गया और मैंने उसको गोदी में उठा लिया, लड़के को गोदी में उठा के संजय बंसाली, ये आपके लिए भेंट है, ऐसे दिया। फिर कुछ और शहर में गए और वहाँ पर भी एक और बच्चा आया, जिसने लड़का आया, मतलब आदमी था वो, उसने भी ऐसे गाना गाया, सेम एकदम तड़प तड़प के ऐसे गाया, उसको भी मैंने गोदी में उठाया और संजय की गोदी में डाल दिया कि आपका आपके दिल भेंट है।